तो फाइनली गाइस पिछले शुक्रवार यानी कि 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जानवी कपूर और राजकुमार राव की मच वेटेड फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही। और मिस्टर एंड मिसेज माही ने सिनेमाघरों में 9 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और फिल्म को रिलीज हुई आज सिनेमाघरों में 10वां दिन चल रहा है, यानी कि फिल्म का आज दूसरा संडे है। और दोस्तों यकीन मानिए मिस्टर एंड मिसेज माही अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके कई बड़े रिकॉर्ड अब तक अपने नाम कर लिए हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टर एंड मिसेज माही अपने पहले 9 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 10वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है और फिल्म का 10 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको भी मिस्टर एंड मिसेज माही फिल्म पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें मिस्टर एंड मिसेज माही की तो ये एक हिंदी लैंग्वेज की रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया था सरन शर्मा ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था करण सोहर, जी स्टूडियोज और अपूर्वा मेहता ने। फिल्म में हमें राजकुमार राव और जानवी कपूर अहम किरदारों में नजर आए थे। और दोस्तों फिल्म का जो बजट था वो उतना ज्यादा नहीं था, सिर्फ 40 करोड़ रुपए के बजट में ये फिल्म बनी थी। लेकिन अगर मैं बात करूं फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की तो उतना ज्यादा कमाल तो इस फिल्म ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर और फिल्मों के हिसाब से हम देखें तो मिस्टर एंड मिसेज माही बहुत फिल्मों से बेहतर कर रही है। मिस्टर एंड मिसेज माही जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी 31 मई को तो फिल्म ने अपने पहले ही दिन यानी कि ओपनिंग डे पर 6,75,00,000 रुपए इंडिया से नेट कमाए थे, तो वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ था वो 8,60,00,000 रुपए का रहा था। दूसरे दिन फिल्म ने 4,75,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। उसके बाद अपने पहले संडे को फिल्म ने 5,70,00,000 रुपए कमाए थे और फिल्म का जो चौथे दिन का मंडे का कलेक्शन था वो 2,15,00,000 रुपए था और फिल्म 4 दिनों में 19 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कर चुकी थी। वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन हुआ था वो 22,15,00,000 रुपए का हुआ था। ओवरसीज से फिल्म ने कमाई थी 3 करोड़ रुपए और कुल मिला के फिल्म की जो पूरे वर्ल्ड में टोटल कमाई है वो 25,15,00,000 रुपए हो गई थी अपने पहले 4 दिनों में। उसके बाद पांचवा दिन 2,10,00,000 रुपए का रहा था, छठवा दिन फिल्म का रहा था 1,90,00,000 रुपए, सातवें दिन फिल्म ने कमाए थे 1,80,00,000 रुपए और दोस्तों आठवें दिन यानी कि फिल्म का जो दूसरा फ्राइडे था परसों फिल्म ने कमाए थे 1,30,00,000 रुपए और फिल्म की जो 8 दिनों की ऑफिशियल कमाई थी वो 26,20,00,000 रुपए इंडिया से नेट हो गई थी। वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन था वो 30 करोड़ रुपए हो गया था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 4 करोड़ रुपए और कुल मिला के फिल्म की जो 8 दिनों की पूरे वर्ल्ड में टोटल कमाई थी वो 34 करोड़ रुपए की हो गई थी। उसके बाद 9वां दिन यानी कि फिल्म का दूसरा सैटरडे रहा 2,20,00,000 रुपए का और दोस्तों आज 10वां दिन है तो आज फिल्म का दूसरा संडे है तो कम से कम 2.5 करोड़ रुपए ये फिल्म आज भी करने वाली है और फिल्म की जो 10 दिनों की टोटल कमाई है वो 30,90,00,000 रुपए इंडिया से नेट हो जाएगी, तो वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो लगभग 40 करोड़ रुपए हो जाएगा। दोस्तों अभी फिल्म को अगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा करना है तो कम से कम इंडिया के अंदर इस फिल्म को 20 करोड़ रुपए और कमाने हैं। इंडिया के अंदर अगर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई ये फिल्म कर लेती है तो हो सकता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाए। वैसे अभी फिल्म के पास 1 हफ्ता है लगभग अच्छे तरह से चलने के लिए, क्योंकि फिर चंदू चैंपियन रिलीज हो रही है, साउथ की बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, तो फिर मुझे लगता नहीं है कि मिस्टर एंड मिसेज माही उतना ज्यादा कमाल कर पाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट में जरूर बताइएगा।